अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अमजीद, आप देख रही हैं टेक्टो अमजीद। सो आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को एडसेंस अप्लाई के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप दोस्तों से हमने वादा किया था कि स्टेप बाय स्टेप एडसेंस अप्रूवल के हर एक स्टेप को हम फॉलो करेंगे, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ हम कवर करने वाले हैं वो है एडसेंस अप्लाई फॉर वर्ल्डप्रेस वेबसाइट। वर्ल्डप्रेस वेबसाइट के लिए कौन सी बेस्ट टेक्निक होती है जो हमें अप्लाई करनी पड़ती है। काफ़ी दोस्त यहाँ पर टाइम भी पूछते हैं कि भाई टाइम आखिर कौन सा है, तो आज आप दोस्तों के साथ जो है टाइम भी शेयर करेंगे, हर एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों को गाइड करेंगे। ये पाकिस्तान के टाइम से यहाँ से अभी जो यहाँ पर टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, तो अभी यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर एक एक स्टेप को हम फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो को जो है स्टेप बाय स्टेप आपने गाइड देखना है, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें हम आप दोस्तों को गाइड भी करेंगे, एक एक चीज़ को हम फॉलो करेंगे। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर चलती हैं और स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें हम दोस्तों को बताती हैं कि भी एडवांस टेक्निक के ज़रिए से किस तरह से आपने एडसेंस अप्लाई करनी है। अगर मल्टीपल एडसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो टेक्निक क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एडसेंस अप्रूवल के बाद हमें क्या करना चाहिए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब आपने मस्ट कर देना है। आज जो हमारा प्रोसेस है वर्ल्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जो है एडसेंस की अप्लाई स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, गूगल में जाना है, गूगल में सर्च कर लेना है एडसेंस। एडसेंस आप जैसे सर्च करेंगे एडसेंस को आपने ओपन कर लेना है। आपने यहाँ सिंपल से यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्ट का, गेट स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन के भी अपनी ईमेल को यहाँ पर लॉगिन वगैरह कर लें। तो यहाँ पर हमारी ईमेल जो है लॉगिन करने के लिए यहाँ पर स्टेप आ चुके हैं। तो आपने अपनी ईमेल, जो भी आपके पास ईमेल है वो आपने अपनी यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड जो है वो आपने यहाँ पर डालना है। अगला स्टेप आप दोस्तों को बताते हैं कि आखिर वो क्या है। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी ईमेल को लॉगिन कर लेंगे गेट स्टार्ट के बाद, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है योर साइट, आपकी साइट कौन सी है। अगर आप ब्लॉगर यूज़ करते हैं या वर्ल्डप्रेस वेबसाइट यूज़ करते हैं या WW के साथ यूज़ करते हैं या विदाउट WW के यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पर आपने डालनी है। इसका एग्जांपल भी यहाँ पर तमाम चीज़ों जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ अप्लाई किया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 2022 के अंदर जो है इसका न्यू गाइडलाइन आ चुकी है, न्यू स्टेप आ चुके हैं, न्यू तरीकाकार आ चुके हैं। पुराने दौर का वो तरीका खत्म हो चुका है, 2021 का 2020 का वो तरीकाकार खत्म हो चुका है। तो इस बार जो हमारा न्यू टेक्निक आ चुकी है वो यहाँ पर अपने तमाम चीज़ें जो हैं फिल कर लेनी है। यहाँ से मैं सिंपल से आ जाता हूँ, वेबसाइट का लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर अपने लिंक को पेस्ट करना है उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाता है कि भी क्या आपको गाइड्स हैं, गाइडलाइन चाहिए या नहीं चाहिए एडसेंस के रिलेटेड, तो आपने यस या नो कर सकती हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप चॉइस कर सकते हैं, यस करें आपकी मर्जी, नो करें आपकी आपकी मर्जी। यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। कंट्री आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, कंट्री मेरी जो है पाकिस्तान है। अगर आप से इंडिया से हैं तो आपने इंडिया को चॉइस करना है, या आप बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश को, किसी भी कंट्री से हैं तो उसी कंट्री को आपने जो है यहाँ से चॉइस वगैरह तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपने कर लेनी है। उसके बाद इसकी टर्म एंड कंडीशन आती है, वो तमाम टर्म एंड कंडीशन जो है आपने स्टेप बाय स्टेप देख लेनी है। ऑलरेडी हम कई बार एडसेंस अप्रूवल ले चुके हैं तो इस चीज़ को जो हम गाइडलाइन कर चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है गेट स्टार्ट के ऊपर, आपने क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि हम अपनी यहाँ पर तमाम प्रोसेस जो है फिल कर चुके हैं, तो यहाँ पर प्रोसेस फिल करने के बाद हमारा अब आ जाता है मेन इंपॉर्टेंट चीज जो 2022 के अंदर यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि 2021-2022 के अंदर तरीकाकार कुछ चेंज था। अब जो 2022 के अंदर आया हूँ न्यू तरीकाकार आया वो ये आया है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर इसको फिल करना है, उसके बाद इसको फिल करना है, फिर जाके इसको फिल कर सकते हैं। आप चाहती हैं कि पहले आपका यहाँ पर कोड डाला जाए तो कोड डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोड आप यहाँ पर कोई भी चीज़ डालें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना कोई भी जो है टेल यू अबाउट, आपका अबाउट क्या है वो आपने यहाँ पर अपने फिल कर लेना है। तो अबाउट को हम यहाँ पर सिंबल से फिल करते हैं। तो अबाउट के अंदर कोई इतनी बड़ी मतलब कि खास चीज़ नहीं होती, सिंपल से स्टेप होती है। यहाँ पर अपना जो है नाम वगैरह आपने डालना है, और उसके बाद एड्रेस लैंड 1, एड्रेस 2, सिटी, उसके बाद पोस्टेड कोड है, उसके बाद फ़ोन नंबर ऑप्शनल है। अगर आपकी ईमेल के अंदर फ़ोन नंबर दिया गया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, और नहीं तो यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर भी मांग सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। उसके बाद अगला स्टेप आप दोस्तों को बताता हूँ कि अगला स्टेप हमारे पास कौन सा आने वाला है 2022 के न्यू अपडेट के मुताबिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर मैंने फिल कर दी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम भी डाल दिया, एड्रेस वगैरह तमाम चीज़ें डाल दी। उसके बाद इसकी सिटी जो है, ये सिटी को यहाँ से मैं सिंपल से कॉपी कर लेता हूँ, मुजफ्फराबाद
को, इसको यहाँ पर मैं आके पेस्ट कर देता हूँ सिंबल से। यहाँ पर मैंने आया पेस्ट किया, उसके बाद पोस्टेड कोड है, पोस्टेड कोड भी डाल दिया। अब देखते हैं कि भी मोबाइल नंबर क्या ऑप्शनल हमसे मांगते हैं या नहीं मांगते। अगर मांगते हैं तो वो भी हम यहाँ पर डालेंगे, अगर नहीं मांगते तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंबल से सबमिट के ऊपर इसको हम क्लिक कर देंगे। अब सबमिट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि आली के हमारे पास मोबाइल नंबर मांगते हैं, तो यहाँ पर देख ले मोबाइल नंबर उन्होंने जो है हमसे यहाँ से मांग लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल से स्टेप है, यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और देखते हैं कि भी मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है अगला स्टेप हमारे पास क्या आता है। तो कोड यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल से इसके सबमिट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोबारा वो कहता है कि भी ये आपका कोड जो है इनकरेक्ट है, दोबारा यहाँ पर कोड डालेंगे। तो दोबारा मैं कोड देख लेता हूँ कि दोबारा क्या हाल ही के इसके अंदर हमने मिस्टेक की है या बिल्कुल प्रॉपर सही दे रही है। उसके बावजूद भी यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, सिंपल से यहाँ पर एक मैंने मिस्टेक की हुई थी, यहाँ पर जो है 61 है, इसकी जगह पर मैंने 63 लगाया हुआ था। उसके बाद क्या करूंगा, सिंपल से सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो है पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप नंबर टू आ चुका है। स्टेप नंबर टू के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि भी इसके अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर देख लें, वो कह रहा है कि ऑटो ऐड इसके जो है ऑन आप कर दें। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल से इसके जो ऑटो ऐड है वो आपने ऑन कर देनी है। और हाल ही यहाँ पर आपने देख लेना है कि आपकी वेबसाइट को ये कैप्चर कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर कैप्चर कर लेता है गूगल एडसेंस तो हाल ही के इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट इनके पास पहुंच रही है। तो यहां पर देख ले हमारी वेबसाइट यहां पर आ चुकी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई टू साइट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां पर आपने सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर सेव पर क्लिक करेंगे दो ऑप्शन हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेप नंबर थ्री हमारे पास आ चुका है। स्टेप नंबर थ्री के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर आपने ऐड कोड को यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ पर जो आपका ऐड कोड होगा वो आपने ऐड कोड को यहाँ से सिंबल से नीचे आएंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आपने वेबसाइट के अंदर जाना है, प्लगइन ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन से ये फायदा होगा कि आपका ऐड कोड यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन हाल ही के यहाँ पर देख लें कि हमारी वेबसाइट गूगल एडसेंस के पास पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हम यहाँ पर अपना ऐड कोड डाल रहे हैं ताकि हमारा यहाँ पर कोई भी चीज मिसिंग वगैरह ना हो। तो यहाँ पर मैं हेडर जो है वो डाल देता हूँ, हेडर एंड फुटर जो प्लगइन है वो यहाँ पर मैं डालना है, यहाँ पर सेट करना हूँ। यहाँ पर वो सेट करने के बाद उसी के जरिए से तमाम चीजें हम करेंगे। यहाँ पर देख लें हेडर एंड फुटर हमारे पास प्लगइन आ चुका है। इस प्लगइन के जरिए से मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर देख लें हेडर एंड फुटर प्लगइन हमारे पास आ चुका है, इसको आपने यहाँ पर सिंपल से क्लिक करना है। एक और प्लगइन भी आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है और आपकी वेबसाइट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आपने अक्सर सुना होगा 404 क्यों मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम पोस्टें जो है डिलीट कर देते हैं या परमालिंक डिलीट कर देते हैं या न्यू परमालिंक रख देते हैं, तो उसकी वजह से भी एडसेंस के अंदर काफी दिक्कत होती है। तो 404 जो है प्लगइन वो आपने यहां से एक्टिवेट लाजमी कर लेना है। यहां पर कोड डालने से पहले 404 प्लगइन आपने यहां पर डाल देना है 404। तो यहां पर मैं सिंबल से आता हूं, यहां पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर 404, तो यहाँ पर 404 प्लगइन भी आपने लाजमी एक्टिवेट कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम देगा और जब इसको आप एक्टिवेट कर लेंगे आपके लिए बहुत बेटर करेगा। ये फूल वाला इस्तेमाल मैं ज़्यादातर नहीं करता, तो ये आपने इस्तेमाल कर लेना, ये जो आपको नजर होगा इसको यहाँ पर मैं सिंबल से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लें 4042301, तो यहाँ पर मैं इसको एक्टिवेट पर क्लिक कर देता हूँ। ये दोनों हमने एक्टिवेट कर लिए। इसके बाद हमारे पास जो कोड है वो कोड आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर बैक आना है। आपने सिंपल से सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हेडर एंड फुटर आ रहा है। हेडर एंड फुटर के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देख लें हेडर एंड फुटर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके हेडर एंड फुटर के अंदर ये तमाम चीजें हमें डालनी है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल से आ जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पर हेडर एंड फुटर के अंदर यहाँ पर मैं इसको सिंबल से पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर पेस्ट करने के बाद आपने सेव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख लें सेव के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद आपने कैशियर इसका एक बार क्लियर कर लेना है। कैशियर क्लियर इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई कुकीज़, कोई कैशियर, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम ना आए तो एडसेंस अप्रूवल इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा भी सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद जो है हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो उसकी मेल जो है वो भी हमारे पास आ जाएगी। मेल के ऊपर भी आपने देख लेना है। ये 2022 के जो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करा रहा हूं, ठीक है, ये तो 2030 के अंदर ये न्यू अपडेट के दौरान भी चेंजिंग हो सकती है। 2022 की इस वक्त जो है दूसरा मंथ चल रहा है। तो यहाँ पर देख लें ये तमाम चीज़ें हमने फिल कर ली। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ कि गूगल एडसेंस के पास ये जाए और हमारी वेबसाइट अप्रूवल हो। कितने दिन के अंदर अप्रूवल आती है, क्या इश्यू आता है, क्या प्रॉब्लम आती है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। फिलहाल तो तीनों स्टेप हमने फॉलो कर लिए हैं। उसके बाद हमारी वेबसाइट जो है इस वक्त देख सकते हैं कि गेट
रिव्यू के अंदर रेडी हो चुकी है। तो ये कंप्लीट कैसे हमारे पास उनके पास पहुंच चुकी है, साइट के अंदर भी जाके देख सकते हैं कि हमारी गेटिंग रेडी के ऊपर आज जा चुकी है। तो यहाँ पर कुछ ही दिन आपने वेट करना है। अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट अप्रूवल होने में कितना टाइम लगता है। अगर अप्रूवल आ जाती है कोई विदाउट एनी इशू एनी प्रॉब्लम के, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगर कोई इशू या प्रॉब्लम आती है तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक अगर आप दोस्तों ने देखा तो वीडियो को लाइक एंड फॉलो लाजमी कीजिए। बिगनर मिस्टेक क्या करती हैं, वो अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल से मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जाएं। यूट्यूब चैनल के अंदर जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं एडसेंस अप्रूवल बिगनर मिस्टेक, बिगनर आखिर मिस्टेक क्या करते हैं, वो भी यहाँ पर मैंने शेयर कर दिया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज़।